देख लीजिए, क्योंकि ये तस्वीर बहुत कुछ कहती है। जहां पर बैठक खत्म हो चुकी है, जो जानकारी सामने आ रही है, नीतीश कुमार इस बैठक से बाहर निकल चुके हैं, संजय झा बैठक से बाहर निकल चुके हैं। लेकिन जब इस बैठक में शामिल होने के लिए नीतीश कुमार पहुंचे, तो एक ही गाड़ी में देखिए नीतीश कुमार दिखते हैं, उसी गाड़ी में संजय झा दिखते हैं, उसी गाड़ी में ललन सिंह बैठे हुए साथ में दिखते हैं। यानी एकजुटता दिखाने की, दर्शाने की कोशिश की गई। ललन सिंह के साथ ही सीएम नीतीश कुमार इस बैठक में शामिल होने के लिए पहुंचे, लेकिन अब यह बैठक खत्म हो गई। मीडिया कर्मियों ने जब इस सवाल का जवाब जानने की कोशिश की कि क्या ललन सिंह बीजेपी के साथ नहीं जा रहे आप, पता नहीं आप पे क्या गुजर रही होगी। चलिए 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 तो तस्वीरें आपके सामने इस वक्त टीवी स्क्रीन पर, जहां पर बैठक खत्म हो चुकी। हालांकि बैठक में चर्चा क्या हुई, किस मुद्दे पर हुई, इसे लेकर खुलकर किसी ने कुछ नहीं कहा। आधे घंटे तक तकरीबन ये बैठक चलती है। और तस्वीर देखिए जरा, सबसे पहले पिछली सीट से उतरते हुए ललन सिंह आपको नजर आ रहे हैं, और बैठक से बाहर इस वक्त सीएम नीतीश कुमार निकल चुके हैं, संजय झा इस बैठक से बाहर निकल चुके हैं, और सहयोगी अमितेश हमारे साथ इस वक्त सीधे लाइव जुड़ गए हैं। अमितेश, बैठक खत्म हो चुकी है, बाहर निकले तो क्या कहा? देखिए, जेडीयू के राष्ट्रीय पदाधिकारियों की बैठक खत्म हो गई है। जेडीयू के मुख्य प्रवक्ता केसी त्यागी ने केवल इतना कहा कि इस्तीफा नहीं हुआ, और कल की बैठक जो होगी, कल 11:30 बजे बैठक होने वाली है राष्ट्रीय कार्यकारिणी की, लेकिन उसमें एजेंडा क्या रहेगा, कौन कौन से मुद्दे पर चर्चा होगी, क्या रेजोल्यूशन आएगा, जो प्रस्ताव आता है किसी भी पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में, उस बारे में केसी त्यागी ने कुछ बताया नहीं। केवल इतना कहा कि कल बैठक होगी, सुबह 11:30 बजे कार्यकारिणी की बैठक, उसके बाद राष्ट्रीय परिषद की बैठक होगी, और उसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस किया जाएगा, डिटेल्स जानकारी दी जाएगी किन किन मुद्दों पर चर्चा हुई और क्या क्या रहा। जी अमितेश, क्या इन नेताओं के बॉडी लैंग्वेज से समझ में आ रहा है कि आखिर कल का एजेंडा नहीं बता रहे हैं, जबकि अमूमन बैठक से पहले बताया जाता है कि आखिर किस एजेंडे के साथ आप बैठक करने वाले हैं, तो क्या जो कयास लग रहे हैं उन कयासों में कुछ सच्चाई है? नाराजगी नीतीश कुमार की उस बैठक से, जब इंडी अलायंस की बैठक हुई उस दौरान उनके नाम को सामने नहीं लाया गया, जिस बात की नाराजगी की आशंका जाहिर की जा रही थी, वो भी एक बड़ी वजह है। देखिए, एक मैसेज देने की कोशिश जरूर की जा रही है कि जेडीयू में सब कुछ ठीक ठाक है। जो कहा जा रहा था कि सब कुछ जेडीयू में सामान्य नहीं है, असामान्य है, और खास तौर से जिस तरह की हलचल है उसको लेकर के बहुत तरह की चर्चाएं चल रही थी, लेकिन एक तरह से सामान्य सब कुछ है, ये मैसेज देने की कोशिश की जा रही है। ललन सिंह और नीतीश कुमार की 1 घंटे तक मुलाकात हुई, और उस मुलाकात के बाद ये तमाम चीजें निकल करके सामने आ रही हैं, और उसके बाद आज जो अभी जो नीतीश कुमार यहाँ से निकल गए हैं बैठक के बाद, लगभग 1 घंटे तक नीतीश कुमार यहाँ पर रहे, 4:15 बजे के आसपास पहुँच गए थे। ललन सिंह, संजय झा उनके साथ रहे, एक संदेश देने की कोशिश की गई कि जेडीयू में कोई दिक्कत नहीं है, सभी लोग साथ साथ हैं। और अभी थोड़ी देर पहले यहाँ से बैठक खत्म हुई तो नीतीश कुमार के साथ संजय झा भी निकले हैं, यहाँ से मीटिंग से बाहर निकले हैं। जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह अभी यहाँ पर मौजूद हैं पार्टी ऑफिस में, बाकी पदाधिकारी धीरे धीरे निकल रहे हैं। तो निश्चित रूप से एक संदेश देने की कोशिश हुई, लेकिन जो कल जो कौन कौन से प्रस्ताव आते हैं, अमूमन ऐसा होता है जब राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक होती है तो उसमें राजनीतिक प्रस्ताव, आर्थिक प्रस्ताव, इस तरह के प्रस्ताव भी आते हैं, उसके मजमून पर चर्चा होती है पदाधिकारियों की बैठक में। लेकिन उस बारे में जेडीयू के मुख्य प्रवक्ता केसी त्यागी ने भी कुछ भी बताने से इनकार किया। उन्होंने कहा कि कल बैठक होगी 11:30 बजे, उसके बाद फिर 3 बजे राष्ट्रीय परिषद की बैठक होगी, उसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में सब कुछ बताया जाएगा। तो अभी इस बारे में क्या क्या एजेंडा है कल का, कौन कौन से प्रस्ताव आ रहे हैं, किन किन मुद्दों पर चर्चा हुई जो कल कार्यकारिणी की बैठक में आने वाले हैं, परिषद की बैठक में आने वाले हैं, उस पर चर्चा के बारे में जानकारी जेडीयू की तरफ से नहीं दी गई। यानी अमितेश, ये माना जाए कि अब भी वो संशय वाली स्थिति बनी हुई है, कल की बैठक के बाद ये साफ हो पाएगा, अगर खुलकर कुछ कहा जाता है तब, कि क्या ललन सिंह का जो सवाल था, बार बार ये पूछा जा रहा था कि ललन सिंह के अध्यक्ष रहेंगे या नहीं रहेंगे, उस पर किसी ने कुछ कहा? देखिए, इस पर केसी त्यागी ने इनकार किया। केसी त्यागी की तरफ से
कहा जा रहा है और बाकी और भी जो नेता हैं उनके तरफ से वही बात फिर से दोहराई गई कि कोई इस्तीफा नहीं होने जा रहा है। तो सभी नेताओं की तरफ से इनकार किया जा रहा है इस्तीफे की खबर से। तो आज शाम में जो बैठक हुई है ललन सिंह और नीतीश कुमार के बीच में, तो क्या सब कुछ सामान्य है या सब कुछ सामान्य कर लिया गया है, ये सबसे बड़ा सवाल है। और इसके लिए कल तक का इंतजार अमित शायद करना पड़े कि कल की जब ये बैठक शुरू होगी सुबह 11:30 बजे, तो उस वक्त कौन कौन से नेता यहाँ पर पहुंचते हैं, किस तरह की चर्चा होती है, एजेंडा क्या साफ हो पाता है या नहीं हो पाता है, ये बेहद महत्वपूर्ण होगा। लेकिन फिलहाल जो जेडीयू की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक चल रही थी वो बैठक खत्म हो चुकी है। नीतीश कुमार इस बैठक से बाहर निकल चुके हैं, संजय झा भी उनके साथ बाहर निकल गए। ललन सिंह इस वक्त इस जेडीयू कार्यालय में दफ्तर में मौजूद हैं और तमाम पदाधिकारियों की मौजूदगी इस वक्त यहां नजर आ रही है। बहुत बहुत शुक्रिया अमितेश इस जानकारी के लिए।